See student, in question number 11 they are telling diagram of adjacent picture frame has outer dimension, means they have given this one picture frame. आपने देखी होगी frame किसी भी picture के आसपास लगी रहती है, तो outer dimension they are telling 24 centimeter and 28 centimeter and inner dimensions they are telling 16 and 20. Find the area of each section of the frame. फ्रेम के हर सेक्शन का एरिया निकालना है, मतलब ये तो पिक्चर है इसका दिस एरिया वी डोंट हैव टू फाइंड. फ्रेम के हर सेक्शन का एरिया निकालना है, तो हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द फ्रेम. ये फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, वी विल अज्यूम इट सेकंड पार्ट, वी विल अज्यूम इट थर्ड पार्ट एंड वी विल टेक इट एज फोर्थ पार्ट. मतलब इस फ्रेम के कितने सेक्शंस हो गए, फोर सेक्शंस हो गए. एंड दे आर टेलिंग द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम. विड्थ का मतलब यहाँ है इस डिस्टेंस से, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वही इधर है, वही इधर है, वही इधर है. मीन्स विड्थ ऑफ ऑल द फोर सेक्शन इज सेम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द विड्थ. अब यहाँ ध्यान से देखिए, आउटर फ्रेम की डिस्टेंस इन्होंने कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर. ओके, और इनर फ्रेम, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इनर फ्रेम. इनर फ्रेम की कितनी दे रखी है इन्होंने, इनर फ्रेम की दे हैव गिवन 20. ओके, तो डिफरेंस कितना आया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 28 और 20 के बीच का डिफरेंस. तो फिर सॉल्व, 28 माइनस 20 तो इट विल कम 8. मतलब यहाँ और यहाँ जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा 8, इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, देखिए वी हैव टू डिवाइड इट इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, 2, और बोथ द पार्ट्स विल बी इक्वल. ओके, ये तो 8 आ गया. विड्थ ऑफ फ्रेम, विड्थ ऑफ फ्रेम कितनी होगी, विड्थ विल बी इक्वल टू 8/2 इज इक्वल्स टू 4. क्लियर? तो यहाँ से जो अपनी विड्थ निकलेगी, मतलब ये वाली विड्थ आपकी कितनी निकली, 4 सेंटीमीटर, और ये वाली कितनी निकली, 4 सेंटीमीटर. यहाँ का भी 4 और यहाँ का भी 4, देखो 4 प्लस 4 8 8 प्लस 20 28, इतनी बड़ी लाइन ही बन गई. सिमिलरली अगर हम ये वाली साइड देखें, यहाँ पे ध्यान से देखें, आउटर डायमेंशन क्या दिया हुआ है हमने, 24 सेंटीमीटर. इनर डायमेंशन कितना दे रखा है, ये देखो 60. यहाँ आउटर है और ये इनर है, लर्न द ट्रिक. ओके, आउटर और इनर, तो आउटर और इनर में डिफरेंस कितने का आ रहा है, मतलब यहाँ 24 में से यू विल माइनस 16. ओके, तो 24 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24 माइनस 16 इज इक्वल्स टू वापिस 8 आएगी. तो विड्थ कितनी हो जाएगी, आइडियली हमको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर टेलिंग विड्थ इज सेम, तो सब तरफ की विड्थ 4 ही आएगी. बट आई एम एक्सप्लेनिंग कि अगर कोई बच्चा ये वाली साइड लेके विड्थ निकालता है और कोई बच्चा ये वाली साइड लेके विड्थ निकालता है, तो इन बोथ द केसेस आंसर विल कम सेम. ओके, ये यहाँ का गैप निकाला है अपन ने, गेटिंग माई पॉइंट, ये दिख रहा है सेम वे. 16 और 24 का डिफरेंस भी 8 आया, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो कितना आया 4. मतलब विड्थ कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर. ये यहाँ डॉटेड लाइन में 4 और डॉटेड लाइन में 4, प्लस करेंगे 4 प्लस 4 कितना होता है 8, और 8 प्लस 16 24. ये डॉटेड लाइन आपकी 4 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की विड्थ भी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, और इस वाले की भी विड्थ कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर. कंसेप्ट क्लियर, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है. ओके, वॉच एवरीथिंग वेरी केयरफुली. तो यहाँ पे आउटर डायमेंशन मालूम है, इनर डायमेंशन मालूम है, और विड्थ वी हैव कैलकुलेटेड, तो सॉल्यूशन वी विल स्टार्ट डायरेक्टली. हाउ यू विल राइट डायरेक्टली, द एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट. ओके, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट लिखें या सेक्शन लिखें, सेक्शन ऑफ फ्रेम. कौन सा शेप दिख रहा है हमें, ये ट्रेपेजियम शेप दिख रहा है, तो वी यूज द फॉर्मूला फॉर ट्रेपेजियम, हाफ इंटू हाइट इंटू
sum of parallel sides. ठीक, तो it will be half into height कितनी आई हमारी 4 आई, अभी हमने width निकाला है, into sum of parallel sides. अगर आप first part में लें तो ये छोटी छोटी side कितनी है अपनी 16 और बड़ी कितनी है 24, तो it will come 16 plus 24. मैं बाहर एक ही यूनिट लगा देती हूँ instead of writing again and again, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2 2, ये दोनों पहले प्लस कर लेते हैं, कितना आ गया, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, तो इट विल बिकम 40 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर, हम मल्टीप्लाई कर लें तो इट विल कम एज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब पहली फ्रेम का एरिया कितना है, फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट सेक्शन ऑफ द फ्रेम का एरिया 80 सेंटीमीटर है, और अगर फर्स्ट का 80 है तो ऑब्वियसली आमने सामने वाली फ्रेम सेम होंगी. क्लियर, फ्रेम देखिए ना, फ्रेम का जो सेक्शन ऊपर होता है वही सेक्शन नीचे होता है, मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड एरिया ऑफ थर्ड पार्ट विल बी सेम. इस कंक्लूजन पे हम कैसे पहुंचे, बाय लॉजिक. फ्रेम हमेशा सिमेट्री में होती है, के 99% फ्रेम्स आर इन सिमेट्री, और यहाँ पे तो मेजरमेंट्स आर ऑल्सो सेम, सो वी कैन ईजली कंक्लूड कि एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द सेक्शन, मतलब सॉरी थर्ड पार्ट ऑफ द सेक्शन विल बी सेम. ओके, सो यू कैन राइट डायरेक्टली हियर, देयरफॉर एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन ऑफ फ्रेम सेम ही रहेगा, इट विल बी सेम. फर्स्ट का 80 है तो थर्ड का भी 80 होगा. दोज़ हू वांट यू कैन सॉल्व, अगर आप चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. फिर अपन निकालते हैं एरिया ऑफ सेकेंड सेक्शन ऑफ फ्रेम. ओके, फ्रेम के सेकेंड सेक्शन का एरिया, तो फ्रेम के सेकेंड सेक्शन का एरिया अगेन ट्रेपेजियम शेप ही, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. When we talk about sum of parallel sides, so then what we have to do it, we will put the values. So what values we are going to put? We are going to put half height. So same here 4. Ab parallel side dekhe, second wale case mein ek 20 hai aur ek hai 28. So what we are going to write, 20 plus 28 aur ye ho jayega centimeter square, you will cancel, so you will get 2 इंटू, पहले हम प्लस कर लेते हैं तो वी विल गेट 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इट विल कम 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब एरिया ऑफ विच सेक्शन, सेकंड सेक्शन का एरिया कितना आया है 96 सेंटीमीटर. हाईलाइट करते जाएं वेर एवर यू आर गेटिंग द आंसर. और अगर सेकंड सेक्शन का फ्रेम के सेकंड सेक्शन का एरिया 96 है तो फोर्थ सेक्शन का ऑटोमेटिकली सेम रहेगा एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन ऑफ फ्रेम इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. चारों सेक्शन के एरियाज निकाल लिए हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. क्लियर?